अविश्वास प्रस्ताव पर बोले अधीर रंजन, नंबर दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं। मणिपुर पर पीएम नहीं बोले तब हम ये प्रस्ताव लेकर आए, ये कहना है अधीर रंजन का। ये सुनते हैं क्या कहना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, आंकड़े नहीं है, बीजेपी कह रही है आंकड़े हैं नहीं, बेवजह लेके आ गया विश्वास प्रस्ताव। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरा ये तर्क होते हैं। लोकतंत्र में कहीं ये नहीं कहे गए कि नंबर नहीं है तो सदन के अंदर कोई बात नहीं रखा जाते हैं। ये इस तरीके की घमंडिया सिर्फ ये सरकार दिखाना जानते हैं। बहुमत की बाहुबली और उसके चलते सदन और देश जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये सारे देश के लिए अगले दिन खतरा पैदा करने वाला है। सदन बहुमत से नहीं, सदन मुद्दों से चलते हैं, सिद्धांतों से चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब ये नहीं ये सरकार गिर जाएंगे, ये नंबर लेके हम खड़ा होंगे, नहीं। सरकार की खामियां क्या है, सरकार की कमजोरी किधर है, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे सरकार हिंदुस्तान के आम लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, ठगा रहे हैं, ये सारे मुद्दे को उठाने की। तो देखिए, नंबर सरकार के साथ है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार को गिराने के लिए नहीं लाया गया है, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है, उससे सारे मसलों पर जवाब लेने के लिए बनाया गया है।